नमस्कार मित्रों, मैं राजेंद्र पटेल आप सभी का एक बार से अपने पार्थ रिसेप्शन परिवार में हृदय से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक बार फिर से नया बैच स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें नए हमारे प्रतियोगी जो भी हैं, जितने भी नए एडमिशन हुए उनको भी और जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं सभी को एक साथ रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पुराने स्टूडेंट को हम लोगों ने बाहर कर दिया है, अर्थात क्योंकि अभी उनको हमको दो चार क्लासेस एक्स्ट्रा भी देनी है, तो यह पुराने स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही लाभदायक है कि क्यों एक बार क्लास करने के बाद दोबारा उनका रिवीजन हो जा रहा है। और उनके साथ साथ नए जो प्रतियोगी जुड़े हुए हैं उनका उनको बेनिफिट ये है कि हमारी सारी पूरी क्लास हो पा रही नहीं हो पा रही, लेकिन आपके लिंक में हमारे पुराने वीडियोज़ पड़े हैं, आप उनके माध्यम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर उन वीडियो को देखकर अपने क्लास को आगे मेंटेन भी करते रह सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी उससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा या आपको भी एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सोहिनी यादव जी, रिया पटेल जी, बबीता राठौर जी, सुधा यादव जी, आप सभी का हम अपने इस स्टूडियो पर हृदय से स्वागत करते हैं। और फिर एक बार आपको बता दें कि आज का भी क्लास हमने पब्लिक ही करवाई है, आज की क्लास भी लिस्टेड नहीं है, अर्थात आज की क्लास भी हमारी पब्लिक है। आप अपने जितने भी परिचित लोग हों उन तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग हमारे यहाँ पेमेंट अभी नहीं भी किए हैं, जिनका एडमिशन नहीं भी हुआ है, वो भी हमारे क्लास का लाभ ले सकते हैं, उन तक भी आज की फिर से क्लास, क्योंकि जब हमारी पिछली क्लास हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या सर नेक्स्ट क्लास भी पब्लिक होगी, लेकिन हमने बताया था कि नहीं, नेक्स्ट क्लास हमारी लिस्टेड हो जाएगी, लेकिन आज आप लोगों के जिज्ञासा के अनुसार यह क्लास फिर आज की भी क्लास पब्लिक है। और आप अपने लोग जितने भी लोग हों, जितने लोग आपसे लोग जुड़े हुए लोग हों, जो आपके TGT PGT और NET की तैयारी करता हो, सबके पास शेयर कर दीजिए और उन सब को सब लोग भी जुड़कर इस क्लास का आनंद लें। तो और भी हमारे साथ जितने लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, दीपक मध्यसिया भी देख रहे हैं हम जुड़ चुके हैं, और अंकरीश यादव जी भी, नीरज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं जिनके नाम ऊपर चले गए हैं तो उनके नाम हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लगभग 20 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग जितनी जल्द से जल्द हो सके आज जुड़ें। जैसा कि आज का हमने टॉपिक रखा है कि प्रमुख ग्रंथों में कला, प्रमुख ग्रंथों में कला, जैसा कि हम जब कला की शुरुआत करते हैं, अभी हमने जो भी कला की शुरुआत की उनका वर्णन हम लोगों ने ग्रंथों से ही शुरू किया, किन ग्रंथों में कैसे कैसे चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको कुछ ग्रंथों के बारे में हमने आपको बताया कि इन ग्रंथों में कला के बारे में ऐसी चीज़ें या ऐसा वर्णन किया गया है, तो हम उन आज कुछ ग्रंथों का आपके सामने जिक्र करेंगे जिनसे हमें कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उनसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी हम आप सभी लोगों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए कि सबसे पहले हमने आपको जोड़ा था कि एक श्लोक से, और वह श्लोक था साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पुष्प पुच्छ विषाणहीन है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक प्रसिद्ध विद्वान आपके जिसका नाम है भर्तृहरि। तो यह श्लोक किस प्रसिद्ध ग्रंथ में वर्णित है, यह भी कभी पूछा जा सकता है कि भर्तृहरि नामक विद्वान ने अपना यह श्लोक किस प्रसिद्ध ग्रंथ में उल्लेखित किया था या इसका वर्णन कहाँ पे किया था। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हम आपको जोड़ रहे हैं, जिनसे कभी भी प्रश्न पूछे जा सकती हैं। जैसे हमने आपको क्वालिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में हमने आपको बताया, कामसूत्र के बारे में बताया, तो एक क्लास हम आपको इनसे दे दे रहे हैं और उनके लेखकों से दे दे रहे हैं, जिससे कि आप और उनमें वर्णन किए गए कलाओं के बारे में एक शॉर्ट सा वर्णन आपको व्याख्यान दे रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, कला से संबंधित प्रमुख ग्रंथ,
कला से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। यह क्लास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हर एक बार जितनी भी बार एग्जाम्स होते हैं, हर बार साहित्य से या कला की पुस्तकों से कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इस मैक्सिमम जो ज़्यादातर आने वाले आपके एग्जाम में हैं, हम उनका वर्णन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला जो आपके सामने हम ग्रंथ लिखने चल रहे हैं वह है नीतिशास्त्र, नीति शतक। नीति शतक यह है ग्रंथ, या यहां पे लिख लीजिए प्रमुख ग्रंथ एवं उनके लेखक। इससे होगा कि आपको और कंफर्म रहेगा। प्रमुख ग्रंथ लेखक है ना। तो देखिए पहला इसमें देखिए इसमें पहले स्थान पे आप लिख लीजिए नीति शतक। नीति शतक और इसके लेखक लिख लीजिए भर्तृहरि। इस ग्रंथ के बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई कला होनी चाहिए। अगर किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी इंसान में कोई भी कला निहित नहीं है तो वह इंसान किसके बराबर है? वह इंसान साक्षात उस पशु के बराबर है जिसके ना तो सींग है और ना तो पूछ है। अर्थात इसी ग्रंथ में भर्तृहरि महोदय ने एक प्रसिद्ध श्लोक लिखा था जिसे हम लोग साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन के रूप में जानते हैं। और यह श्लोक TGT और इसमें LT में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने इस ग्रंथ का नाम लिख दिया और इसके लेखक का नाम लिख दिया। दूसरी बार हमने जिक्र किया, दूसरा ग्रंथ हमने आपको बताया था कि कामसूत्र। काम सूत्र इसके बारे में हमने आपको बताया कि कामसूत्र जो वात्स्यायन मुनि कामसूत्र नामक एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना वात्स्यायन मुनि ने किया था और इस ग्रंथ में इन्होंने कुल 64 कलाओं का वर्णन किया। कुल 64 कलाओं का वर्णन किया और हमने यह भी बताया था कि इन 64 कलाओं में पहले स्थान पर संगीत और सबसे अंतिम में व्यायाम कला का वर्णन किया। लेकिन कुछ चीजें हम आपको और अंदरूनी चीज इस ग्रंथ से जुड़ी हुई कामसूत्र से बताना चाहते हैं कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के एक श्लोक को लेकर यशोधर पंडित नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने एक टीका की रचना की थी जिसे हम लोग चित्रकला के षडांग या कला के षडांग नाम से जानते हैं। और उन्होंने उसमें चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की और साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि कामसूत्र में भरत मुनि ने जिन 64 कलाओं का वर्णन किया है उन 64 कलाओं के अंतर्गत भी 518 अंतः कलाएं निहित हैं। अर्थात 64 कलाओं के अंतर्गत 518 अंतः कलाएं भी मानी गई है। इसका जिक्र यशोधर पंडित ने अपने प्रसिद्ध टीका जयमंगला में किया था। ठीक है, इसके बाद हमने आपको जोड़ा था तीसरे ग्रंथ के रूप में नाट्यशास्त्र।
नाट्य शास्त्र, और इसके लेखक के बारे में हमने आपको बताया था भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि के बारे में आपको बताया गया कि यह भारत के एक प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री, एक प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हैं, और इन्होंने ही पहली बार जिस कलाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस कला के लिए हम लोग कला शब्द का प्रयोग करते हैं, इनका उल्लेख पहली बार इन्होंने ही अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मीन्स भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। और नाट्य शास्त्र में जब इन्होंने अपने या जो नाट्य शास्त्र है, इस ग्रंथ की रचना इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, और साथ ही साथ इन्होंने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में, भरत मुनि नामक विद्वान ने कुल 8 रसों का उल्लेख किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरत मुनि ने कुल कितने रसों का उल्लेख किया था, तो भरत मुनि नामक विद्वान ने अपने नाट्य शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में, जिसकी रचना इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, कुल 8 रसों का उल्लेख किया। और इन 8 रसों का जो उल्लेख किया, उसमें इन्होंने इन विभिन्न रसों के विभिन्न रंगों का भी उल्लेख किया के बारे में बताया। जैसे इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन के लिए इन्होंने श्याम रंग, श्रृंगार रस का वर्णन करने के लिए या श्रृंगार रस के संकेत के रूप में इन्होंने श्याम रंग का वर्णन किया है। जबकि रौद्र रस, रौद्र रस का वर्णन करने के लिए इन्होंने रक्त वर्ण, रक्त मिस लाल रंग का वर्णन किया है। और वीर रस, वीर रस के भाव को प्रदर्शित करने के लिए, वीर रस के भाव को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने गौर रंग, गौर रंग मीन्स जिसको हम लोग गोरा रंग बोलते हैं, इसका वर्णन किया है। जबकि भयानक रस, भयानक रस का संकेतिक रूप से प्रयोग करने के लिए या भयानक रस का उल्लेख करने के लिए इन्होंने कृष्ण, कृष्ण रंग अर्थात काले रंग का वर्णन किया है। इसी प्रकार से विभत्स रस का संकेत या वर्णन करने के लिए इन्होंने नीले रंग का वर्णन किया, तथा अद्भुत रस का उल्लेख करने के लिए इन्होंने पीला, अद्भुत रस का उल्लेख करने के लिए आपके भरत मुनि ने पीले रंग का वर्णन किया या पीले रंग का संकेतिक रूप में प्रयोग करने के लिए वर्णित किया। इस प्रकार से भरत मुनि ने अपने इस नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का उल्लेख किया था, और इन 8 रसों को व्यक्त करने वाले 8 रंगों का भी इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही साथ आप और भी बता देना चाहते हैं कि इन्होंने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में, नाट्यशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में, भरत मुनि ने कुल 4 रंगों का उल्लेख किया, 4 रंगों, मूल 4 रंगों का उल्लेख किया। कहीं कहीं किसी किसी किताब में 3 ही रंग बताए जाते हैं, 3 ही रंग बताए जाते हैं, और उन 3 रंगों में बताया जाता है लाल, श्याम और पीला। लाल, श्याम और पीले रंग का प्रयोग का वर्णन इन्होंने मूल रंगों में किया है, लेकिन एक अन्य रंग है जिसे हम लोग सफ़ेद रंग के नाम से जानती हैं। तो किसी किसी किताबों में यह दिया जाता है कि भरत मुनि ने 3 मूल रंगों का वर्णन किया है, और 3 मूल रंगों में पहला है लाल, श्याम और पीला। जबकि कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने लिखा है कि उन्होंने कुल 4 रंगों का वर्णन किया, क्योंकि अगर हम लोग सफ़ेद रंग को भी रंग में गणना कर लेते हैं तो सफ़ेद रंग भी जहाँ पर वर्णित कर दिया गया है, तो कुल टोटल 4 रंग हो गए। और भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में बताया कि सफ़ेद रंग के मिश्रण से, सफ़ेद रंग के मिश्रण से दिए गए रंगों की कई प्रसिद्ध आभाएं प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें देखिए सारे कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या? कमेंट देखिए इसमें आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुल कितने रसों का उल्लेख किया? 8। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने मूल रंगों का वर्णन किया? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि अगर 4 और 3 दोनों हैं, और 4 अगर 3 दोनों हो गए, आप समझ लीजिए कि प्रश्न विवादित हो जाएगा, क्योंकि 4 का भी वर्णन है और 3 का भी वर्णन है। 4 को हम सही इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि कृष्ण, श्याम और पीला
प्लस सफेद, तो चार रंग हो गए। अगर कोई यह प्रूफ करना चाहेगा तो चार रंग हो जाएगा। और कहीं कहीं ज्यादातर विद्वानों ने क्या किया कि यहां पर तीन ही रंगों का वर्णन किया है। यह विवादित प्रश्न होगा जब अगर यहां पे तीन और चार दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अब भी बस उसी चार पे रुका हुआ है, ये कमेंट में चार पे ही रुका हुआ है। इतना ही तीन ही है। अच्छा, इसमें से कोई एक कमेंट किसी भी पर एक प्रकार का करिए, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग के कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे हैं तो हम शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग कोई जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सोहिनी यादव जी, चलिए आप एक कमेंट कोई भी कर दीजिए, हाई कर लिख के भेज दीजिए। नहीं आ रही, कहीं कहीं से फॉल्ट करता है, इसको फिर से उकरी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका नाट्यशास्त्र हो गया। इसके आगे हम जब चलेंगे तो नाट्यशास्त्र के बाद हमने आपसे जिक्र ये भी किया था कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी वर्णन हमने किया था, और आपको बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वह ऐसा ग्रंथ है जिसमें चित्रकला का सर्वोच्च कला बताई गई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको कुछ अन्य ग्रंथों से भी जोड़ देते हैं, जैसे महाभारत, या आप सबसे पहले देख लीजिए वेदों को देख लीजिए। या वेदों को देखने से पहले आपको हम बता दें कि जो भी हमारी कलाएं प्रस्तुत की गई, इनके बारे में हमारे प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हेगेल महोदय की क्वालिफिकेशंस को हमने देखा। हेगेल ने अपने हेगेलियन क्वालिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, इसको भी आप देख लीजिए पहले। फाइन आर्ट, इसमें देखिए हेगेल, आपको बताया ही गया कि इन्होंने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में ललित कलाओं को, या कलाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, फिर ललित कलाओं को इन्होंने पांच भागों में बांटा, उसके साथ साथ इन कलाओं का आपके सामने वर्णन भी किया और अन्य सारी चीज़ें भी इनसे जोड़ी इन्होंने। ठीक है, तो साथ ही साथ इनकी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। द फिलॉसफी और फाइन आर्ट के भी लेखक कौन हैं, आपके हेगेल। अब देखिए, इन्होंने बताया कि सौंदर्य शास्त्र जो हमारी कला होती है, हमने आपको बताया कि कला का से तात्पर्य है आनंद की अनुभूत कराना, सौंदर्य की अनुभूत कराना ही कला कहलाता है। तो आपके हेगेल नामक विद्वान ने बताया कि ये जो कलाएं हमारी हैं, इनका जन्म इनका जो उत्पत्ति होती है जिसके उद्देश्य के लिए, उसे हम लोग सौंदर्य बोलते हैं। और इन्होंने बताया कि सभी जितनी भी कलाएं हैं सभी सौंदर्य प्रदान करने वाली होती हैं। और इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसको हम लोग सौंदर्य शास्त्र से संबंधित मानते हैं, जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, इन्होंने इसमें बताया कि ललित कलाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ललित कलाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि इन ललित कलाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति कराना होता है। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये दोनों पुस्तकें आपके हेगेल के द्वारा लिखी गई हैं और दोनों ही कला से संबंधित हैं। हम दोनों के बारे में और विधिवत भी और विस्तृत भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण इतना ही है इन ग्रंथों से पूछा जाता है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण था उससे हम आपको जोड़ चुके हैं। एक ग्रंथ और आप लिख सकते हैं,
जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिका। एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना वामगार्टन। एस्थेटिका, इस ग्रंथ की रचना आपके अलग एलेक्जेंडर वामगार्टन। एलेक्जेंडर वामगार्टन ने की थी और इस ग्रंथ में इन्होंने अलेक्जेंडर ने सौंदर्य शास्त्र से संबंधित सौंदर्य शास्त्र और कलाओं का जो मेल है, इन्होंने बताया कि कला की उत्पत्ति जो है सौंदर्य की अनुभूति से हुई है। सौंदर्य और कला का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है, इसलिए इन्हें सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वामगार्टन को कहा जाता है। और इनकी इन्होंने अपने सौंदर्य संबंधी विचारों को एस्थेटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में उल्लेखित किया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सौंदर्य शास्त्र का जनक कौन है, सौंदर्य शास्त्र का जनक कौन है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि अलेक्जेंडर वामगार्टन और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी है, एस्थेटिका है, ठीक है। और इसके बाद इनके साथ साथ थेलिस नामक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें यूनानी सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने भी अपना कला से संबंधित सिद्धांतों को वर्णित किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कलाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन हम जब कला का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कला शब्द की उत्पत्ति, कला शब्द का वर्णन कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले किया गया वेदों में, वेद। सातवां क्या है? वेद। अब देखिए, पहला नंबर तो आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये वेद क्या होती है। वेद से तात्पर्य होता है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। आपसे पूछा जाएगा कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं, ज्ञान होता है। देखिए, यहां से प्रश्न कई महत्वपूर्ण बनते हैं और उसके साथ साथ ये वेदों की संख्या पूछा भी जाता है कि वेदों की संख्या बताइए या वेदों की रचना कब हुई। तो आप देख लीजिए, ये जो वेद हैं, केवल एक वेद की बात नहीं कर रहा हूं, इन वेदों की रचना 1100 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी, इन वेदों में, चलिए चारों वेद को आप देख लीजिए, वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। वेद, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या
वेदों की संख्या कुल चार है। अब बात आती है कि इनमें से पूछा जाता है कि ये जो हमारे वेद हैं, इन वेदों के संकलनकर्ता, ये जो चारों वेद हैं, तो वेदों के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास। वेदों के संकलन कर्ता वेदव्यास को माना गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास को माना गया है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यहीं पे आप लिख लीजिए ताकि आपके एक ही पेज में मैक्सिमम मैटर मिल जाए। तो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और आपके इस ऋग्वेद का जो समय है, यहीं पे आप देख लीजिए, ऋग्वेद का जो समय बताया गया है विद्वानों के द्वारा, वह बताया गया है 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। चलिए, ये दो प्रश्न आपके केवल ऋग्वेद से रेडी हो रहे हैं कि वेद सब वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेदों के संकलनकर्ता कौन है, वेदव्यास जी को माना गया है, या आप कह सकते हैं महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास जी को माना गया है, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के ऋग्वेद कब लिखा गया, या इसके लिखने का समय क्या विद्वानों ने बताया, तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य में लिखा हुआ इस वेद को बताया गया है। साथ ही साथ यहां पे एक वेद है सामवेद, इसे गाया जाने वाला वेद कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गाया जाना जाने वाला वेद किसे कहा जाता है, तो सामवेद, जिसमें जो हमारा सारे गामप्पा जो हमारे संगीत के प्रसिद्ध वर्ण हैं, जिनके माध्यम से हमारे संगीत के का जन्म हुआ माना गया है, उन शब्दों का उल्लेख या उन शब्दों का की उत्पत्ति आपके सामवेद से हुई मानी गई है। अर्थात ये जो हमारा सामवेद है, इसे गाया जाने वाला वेद कहा जाता है, गाया जाने वाला वेद, गाया जाने वाला वेद हो गया। उसके बाद यजुर्वेद आपका एक ऐसा वेद है जिसमें आपके स्थापत्य या अन्य सारी चीजों के साथ साथ यहां पर बहुत सारी कलाओं का वर्णन किया गया है, और भरत मुनि के काम सूत्र से पहले इसी यजुर्वेद में कुल 64 कलाओं का वर्णन किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 64 कलाओं का वर्णन सबसे पहले किस प्रसिद्ध ग्रंथ में किया गया है ना, और अगर वहां पर काम सूत्र और यजुर्वेद दोनों है, तो आपको पहला टिक मारना पड़ेगा यजुर्वेद पर, क्योंकि यजुर्वेद में पहली बार 64 कलाओं का वर्णन किया गया था। तो इसको भी आप लिख लीजिए यहां पे कि 64 कलाओं का वर्णन, 64 कलाओं का वर्णन। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा ऐसा वेद है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, समझ रहे हैं। तो आपका ये जो यजुर्वेद है, इसमें कुल 64 कलाओं का वर्णन किया गया है।
नमन अवस्थी जी कहना है मोस्कुलर ने 600 से इतने से बताया क्या जी, इन्होंने बताया है, लेकिन जो हमारे कला के ग्रंथों में हमारी जो कला के कला मनीषियों ने इसका वर्णन किया है यह बताया गया है, और हमने इसका वर्णन एनसीईआरटी में ही भी देखा है। एनसीईआरटी में भी जो माना गया है वह 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य की रचना मानी गई है, इसलिए आपको यह भी देख कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमारे जो सामवेद वेद है यह गाया जाने वाला वेद है, और इसी वेद को आपके यजुर्वेद के अलावा सामवेद को ही एक चीज और माना गया था, भारतीय कला का जनक। भारतीय कला का जनक किस वेद को माना जाता है, तो भारतीय कला का जनक आपके सामवेद को माना गया है। तो यजुर्वेद में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि ये जो हमारा अथर्ववेद जो है यह सभी वेदों में सबसे अंतिम वेद, मतलब लास्ट का, सबसे बाद का वेद माना गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे बाद का वेद किसे कौन सा है, तो अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है, और इस वेद को स्थापत्य अथवा यांत्रिकी, आपसे पूछा जाएगा कि स्थापत्य और यांत्रिकी का वेद किस वेद को माना जाता है, तो स्थापत्य और यांत्रिकी का वेद आपको यथर्ववेद को माना जाता है, यह भी आप लिख सकते हैं। स्थापत्य एवं यांत्रिकी या यांत्रिकी का वेद, ठीक है, स्थापत्य एवं यांत्रिकी का वेद आपके अथर्ववेद को माना गया है। तो यहां से आपके वेदों से ये महत्वपूर्ण बनते हैं। उसके बाद आपको यह भी हमने बताया था कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही पहली बार कला शब्द का प्रयोग किया गया था, यह भी चीज आप लिख सकते हैं नोट करके। हम पहले भी बता चुके हैं एक चीज और, जब वेदों में चल रहे हैं तो आप देख लीजिए, ऋग्वेद में ही पहली बार कला शब्द उल्लेख किया गया था। देखिए, ये एक प्रकार से मान लीजिए कि हमारे भारत के, आप भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में हमारे वेदों की गणना की जाती है, और हमारे भारत का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन वेद, या आप कह सकते हैं कि विश्व में संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन साहित्य हमारे ऋग्वेद को ही माना जाता है, और इन ऋग्वेदों में ही पहली बार कला शब्द का वर्णन किया गया था, और कला शब्द का पहली बार वर्णन इन चारों वेदों में से आपके ऋग्वेद में किया गया था, और इस ऋग्वेद के रचनाकार, एक प्रश्न और भी यहां से लिख लीजिए, विश्वामित्र को ऋग्वेद का रचनाकार बताया गया है। अर्थात ये जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो ऋग्वेद के रचनाकार आपके कौन है, विश्वामित्र। तो आपके एग्जाम में अगर वेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कि वेदों से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपके वेदों से आने वाले टॉपिक को या प्रश्न को हमने आपके सामने निकाल के रख दिया है। अब आपको इसको क्या करना है, हमने तो एक ही स्क्रीन पे मैक्सिमम प्रश्न देने के लिए एक ही स्क्रीन पे हमने जहां जहां हमको जगह मिली हमने उनको उल्लेख कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको विधिवत अपने तरीके से, जिस तरीके से आप इसको समझ सकें,
उस तरीके से अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके जिस तरीके से आप जब भी पढ़िए बढ़िया से समझ जाइए, उसको उल्लेखित कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। आशुतोष शर्मा जी, भारतीय कला का जनक कौन है? देखिए भारतीय कला का जनक की बात अगर करेंगे, भारतीय जो कला के जनक है, अगर भारतीय हमारे कला के पहले जो कलाकार माने जाते, ब्रह्मा को माना जाता है, तो ब्रह्मा जी को हम भारतीय कला का जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके प्रश्न में यह नहीं दिया गया है कि प्रश्न में आधुनिक कला का जनक या भारतीय कला का जनक, तो ब्रह्म अगर हम कला में चलेंगे, वेद में चले या साहित्य में चलेंगे, साहित्य के अनुसार ब्रह्मा जी को या कहीं कहीं नग्न जित एवं भय जित को आपके भारतीय कला का जनक माना गया है। लेकिन आपको अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आप ब्रह्मा जी को मानेंगे, लेकिन आपने किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों पर विश्वास कर चलिए कि पहला जो कलाकार माना जाते हैं, जो भारतीय कला के जनक है, जो भारत के पहले कलाकार हैं, वह ब्रह्मा जी को माना गया है। दीपक मदेसी जी कहना है सर स्क्रीन शॉट लेनी है। बिल्कुल दीपक जी ले लीजिए, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। बहरहाल इसको आप अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं सब लोग इसको स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन वीडियो को रोक रोक के, क्योंकि वीडियो आज भी पब्लिक है, वैसे भी आपके पास सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं। इन सारे चीज़ों को आप लिख के लिपिबद्ध करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके समझ में भी आ जाएगा, और आप बिल्कुल जब अपने लैंग्वेज में लिखे रहेंगे, आपको बार बार जब भी आप देखेंगे, एक नज़र से देखेंगे, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, दीन बंधु नमस्ते सर, नमस्ते जी। नीरज कुमार जी कहना सर फीस कितनी है? नीरज कुमार जी कहना है कि सर फीस बताएं टीजीटी कला की फीस अभी क्या रखी गई है सर वर्तमान समय की फीस? अभी देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपकी फीस शॉर्ट की गई है, कम की गई है, 2000 रुपये फीस रखी गई। फीस नहीं है, केवल क्या है, आपकी इस कोरोना जैसे संक्रमण में आपके घर बैठे आपकी सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, इसलिए वल्ली केवल 2000 रुपये आप उन्हें घर पे बैठ के 2000 रुपये दे के केवल यहाँ के जो खर्च हो रहे हैं, यहाँ के जो लोग लगे हुए, हमको यहाँ की संस्था को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल आपकी सेवा करने का। इस बड़े महामारी में, इस ऐसी परिस्थिति में जब लोग एक जगह एक चीज़ और आपको जानकारी दे दें, हमारी संस्था आप लोगों के लिए इस तरीके की क्लास के साथ पर साथ है ही, और जितने भी प्रतियोगी हमारे इलाहाबाद में हैं, वो चाहे किसी भी जगह से हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी जिले से हों, अगर आज भी वह किसी कारणवश प्रयागराज में रुके हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के खाने पीने या अन्य सारी चीज़ों की समस्याएँ हैं, तो दिए गए नंबरों पे बात करें और बात करके हमारे यहाँ के लोगों, हमारे कार्यालय के लोगों से संपर्क कर लें, क्योंकि ऑफिसें बंद हैं। जहाँ पे आपको सुविधा लगे वहाँ पे आपके लिए नाश्ते खाने पीने की जो भी सामग्री है उसके पहुँचाने के लिए भी हमारा ये संस्थान तत्पर है और कोशिश कर रहा है कि जितने भी प्रतियोगी हैं, जहाँ भी हैं, जिस तरीके से अगर इलाहाबाद में है, मजबूर है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो आप हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं को बताएं और भरसक प्रयास आपका किया जाएगा। हमने जैसा कि बताया कि आप जहां भी हैं, खाने पीने की जो भी समस्याएं हो रही हैं, आप बताएं कि हमारा संस्थान आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। और तो इस तरीके से हम आपको इस महामारी में फीस नहीं बल्कि आप सभी लोगों के लिए सेवार्थ काम कर रहे हैं, और हम लोग समझ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में प्रतियोगियों का कितना नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े व्यवसायियों का नुकसान हो रहा है, अन्य सारे लोगों का नुकसान हो रहा है,
तो उसी के साथ हमारे प्रतियोगी बंधुओं का भी, हमारे प्रतियोगी भाइयों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये हम पीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, 5 साल में एक बार यह वैकेंसी पूर्ण होती है, और उसके साथ साथ अगर एक एक साल का 6-6 महीने का ये गैप हमारे कोरोना जैसे महामारी इसके कारण नुकसान हो रहा है, जो 5 साल का समय वो 7 साल बीत जाएगा, हमारा प्रतियोगी निराश हो जाएगा। तो उसके उस निराशा में, उसके उस अव्यवस्था में, उसके उस परेशानी में हम लोग आप लोगों के लिए साथ में रहने का, कि आपको ऐसा ना लगे कि मेरी तैयारी रुक गई। हम लोग के पास बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे पर्सनल मैसेज आए कि सर क्लासेस नहीं चल रही हैं, इससे नुकसान हो रहा है, जो हमने पढ़ा था वह भी हमारा भूल जा रहा है, तैयारी हमारी बिल्कुल दयनीय स्थिति में चली जा रही है। आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि चलिए हम लोग, अगर हर एक इंसान महामारी में अपने तरीके से किसी न किसी रूप में मदद कर रहा है, तो हम लोगों का जो समय है, हम लोग का जो वर्क बनता है, जो कार्य बनता है, तो हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि आप लोग अपने घर में बैठे रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे लाइट बिजली या अन्य सारी चीज़ों की खर्च आता है उसको वहन करते रहिए, और आप तक आपके घर में बैठे बैठे हम लोग आपसे जुड़कर आप सभी लोगों को तैयारियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। नमन अवस्थी जी कहना सर पेपर अगली बार कब होगा? नमन अवस्थी जी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए, पेपर आपका जनवरी या फरवरी के पहले नहीं होगा। अगर जनवरी और फरवरी के पहले में भी संभावनाएं बन भी जाएंगी तो अक्टूबर या नवंबर, लेकिन अक्टूबर या नवंबर को आप जीरो मान के चलिए, अक्टूबर और नवंबर को आप जीरो मान के चलिए, और एग्जाम आपका जो 90% होने के चांसेस बनेंगे वह जनवरी और फरवरी में बनेगा। लेकिन आपको जनवरी और फरवरी एग्जाम मान के नहीं चलना है, क्योंकि समय कैसे निकलता है, आपके जैसे ही दिमाग में आएगा कि अब जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो आप उसको फिर से रिटर्न करने में, दोबारा बैग आके पढ़ने में, फिर से आप तैयारी करने में बहुत सारा आप समय लगा देंगे। इसलिए आप एग्जाम हर एक महीने में मान के चलिए कि हमारा इस महीना मई चल रहा है तो जून में भी मेरा एग्जाम हो सकता है, जून निकल जाए तो मान लीजिए जुलाई में मेरा एग्जाम हो सकता है, आपको यही मान के तैयारी करना है। नीरज कुमार जी कहना है कि नया बैच कब से चल रहा है? नीरज जी नया बैच बिल्कुल नया है, तभी तो हम पब्लिक हैं आपके सामने, अगर नया बैच ना होता तो लिस्टेड क्लास होती तब आप हमसे ना जुड़ पाते, नया बैच है इसीलिए यह अभी पब्लिक क्लास की गई है। दीपक मध्यसिया जी कहना है तब तो सर बहुत दिन होगा, बहुत दिन बचा कहाँ है दीपक जी, अभी हम आप विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, विज्ञापन ही नहीं आ रहा, विज्ञापन नहीं आ रहा, और विज्ञापन भी आ गया, विज्ञापन की डेट 3 बार बढ़ चुकी, और 3 बार बढ़ने के बाद भी वर्तमान समय के इतने महान प्रतियोगी हैं कि 3री बार बढ़ी है तब भी आज तक फार्म नहीं भर पाए हैं। उन्हीं में लोगों का बस एक वो होता है कि साइड नहीं सही चल रही, साइड नहीं चल रही तो जितने लोगों ने फॉर्म डाला उसका 90% लोग कैसे फॉर्म डाल लिया, किसी तरीके से मेहनत किया, जिस तरीके से कंपटीशन में मेहनत करना है तैयारी के लिए उसी तरीके से उन्होंने फॉर्म भरने भी मेहनत किया और उन्होंने फॉर्म डाल दिया, आप क्यों नहीं डाल पाए? तो इस तरीके के आप देखेंगे 2 महीने हो गया फॉर्म आए और वह भी समय निकल गया, और आने वाला समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए, आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि अभी बहुत दिन है। बहुत दिन का मतलब क्या होता है, अभी आप इस समय क्लास में हैं, कल सुबह हो जाएगी, ऐसे ऐसे आप खाना पीना खाएं, नाश्ता करें, एक बार नींद लेंगे, फिर कल का क्लास का समय हो जाएगा, ऐसे समय बीत जाएगा कि पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपने दिमाग से बिल्कुल सभी प्रतियोगियों से मेरा रिक्वेस्ट है, हार्डली एकदम दिल से मन से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अभी बहुत समय है ना, ये मान लीजिए कि समय नहीं है, जो समय हमको मिल गया है उसको हम भुना दें, उसका लाभ उठा लें। नीरज कुमार जी कहना है कि आपकी किताबें चलती हैं सर, हम वही पढ़ते हैं, आप महान हैं, धन्यवाद नीरज जी। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी एक प्रैक्टिस सेट नया लगभग 15 सेटों का और एक बुक भी मार्केट में आने वाली है, और थोड़ा सा कोरोना महामारी के कारण प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाने के कारण वे अभी बैंडिंग नहीं हो पाई है, और जैसे ही थोड़ा सा कर्मचारी आए लगते हैं और वह बुक आप लोग के सामने हो जाएंगी, है ना। अगर ये कोरोना ना होता तभी तक बुक हमारी मार्केट में होती, तब लोग तैयारी करते रहे और वह भी जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएंगी।
आशुतोष शर्मा जी कहना है कि आपकी बुक कौन सी है। आशुतोष जी, हमारी बुक का नाम है कला का संक्षिप्त इतिहास, और दूसरी जो आने वाली है, एक होगा पहला जो लिखित, एक वर्णित लिखित, उसमें जिसमें डिटेल्स दिया गया है, वह होगा कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन। कला ग्रंथ एक समग्र अध्ययन, जिसमें आपको ये जो हमने सौंदर्य शास्त्र बताया, सौंदर्य शास्त्र से लेकर कला के तत्व तक, सौंदर्य शास्त्र, मध्यकालीन कला शैलियाँ, प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल में आपकी सिंधु घाटी की प्रागैतिहासिक काल से लेकर चोल चालुक्य चंदेल राष्ट्रकूट गुप्त सभी राजवंशों की कलाओं को हमने जिक्र किया है। उसके बाद हम आधुनिक काल में चलेंगे, आधुनिक काल में जब हम चलेंगे वहाँ पर आपके पटना कला शैली, मैसूर कला शैली, तंजौर कला शैली, कालीघाट कला शैली, है ना, बंगाल कला शैली, बंगाल शैली के बहुत सारे कलाकारों को, फिर हम चलेंगे कला ग्रुप में, कई कला ग्रुपों को हमने वर्णन किया है, फिर कला ग्रुपों और बंगाल शैली कलाकारों को मिलाकर 50 से 60 कलाकारों को हमने अपने किताब में वर्णित किया है, और फिर हम चलेंगे पाश्चात्य कला में, तो पाश्चात्य कला का भी हमने वर्णन किया है। पाश्चात्य काल में हम यूरोपीय हिमयुगीन, मिस यूरोप के प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक कलावादों का भी एक संक्षिप्त वर्णन अपने बुक में किया है। प्लस कला के तत्व में नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, कला का तत्व देखेंगे, कला के तत्व में हम जो भी आपके काम की चीज़ें होती वो सारे रखे हैं। प्लस कुछ आने वाली शब्दावलियाँ, 60 से 70 ऐसी शब्दावलियों को हमने रखा है, जिसको हमको कला का वर्णन करने के लिए, पेपर देने के लिए उन शब्दावलियों को जानकारी होना भी आवश्यक है। तो 60 से 70 कला से संबंधित, जैसे ग्लेजिंग क्या होता है, प्लास्टर क्या है, हेग क्या होता है, कोलाज क्या है, बैंडिंग क्या है, संवाहक क्या है, ठीक है, स्टेम्बलिंग क्या है, इन सारे शब्दावलियों, इस तरीके के शब्दावलियों को, इंटीग्रियो क्या है, इस तरीके की शब्दावलियों को लगभग 60 से 70 शब्दावलियों को भी हमने उसमें रखा है। प्लस साथ ही साथ उसमें हमने रखा है कि कुछ प्रसिद्ध कला के स्थापत्य, कुछ भारत के प्राचीन कला के राजवंश, उनकी राजधानी, उनका संस्थापक, कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके उनके अनुवादवादक, कुछ महिला चित्रकार एवं उनकी प्रसिद्धि, है ना, कुछ इस प्रकार के सारे चीज़ों को हमने कलेक्ट करने का उसमें कोशिश किया है। तो जिस तरीके से हमने बताया, तो आप कुछ लग रहा होगा कि उसमें कोशिश मैंने किया कि सारी चीज़ों को समाहित करने का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिनकी अलग अलग ग्रंथ हों उन ग्रंथों को एक साथ बहुत विधिवत तरीके से वर्णन नहीं, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम में आने वाले, अगर आप हमारे तीनों बुक, एक दोनों बुक और एक प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे, तो आप मान लीजिए कि अच्छी तरीके से विधिवत अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा जी कहना, सर बुक की एक पिक दिखा दीजिए। आशुतोष जी, बुक का यहाँ पे हम कैसे दिखा सकते हैं भाई, हम बहुत करेंगे, कवर आपको दिखाएंगे, कवर में आपको समझ नहीं पाएंगे, कवर तो मैंने एक दो बार सेंड भी किया था, तो हम सेंड करवा देख आपको बता देंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। नीरज कुमार जी कहना, सर प्रैक्टिस बुक की क्या नाम है। नीरज जी, प्रैक्टिस बुक का नाम भी कला का समग्र अध्ययन है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कला का समग्र अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कला के जितने भी टॉपिक है, जैसे जैसे पेपर बनता है, जो जो जिस पेपर में आता है, हमने सभी को जोड़कर 15 सेट रेडी किया है, और वह 15 सेट आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पेपर को किया है। अगर आप 15 सेट में जो हमारे होंगे, अगर उसमें 100, 110, 115, 110 करते रहेंगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि हम एक अच्छे कंप्यूटर हो चुके हैं। अगर 115, 10 नहीं कर पा रहे, तो आप मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि वह एक टॉपिक से नहीं है, वह ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जिस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई होंगी और कुछ चीज़ पढ़ाई हुई नहीं होगी। 10-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको हम नहीं पढ़ाए होंगे, वह GS के रूप में आते हैं, उनको भी आपको हमने देख के आपके ट्राई करने का कोशिश किया है, आपको समझने की कोशिश किया है, आपको आप तक खुद को समझाने की कोशिश किया है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है वेद के साथ महाभारत, आठवां हमारा है महाभारत। महाभारत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। और इस महाभारत नामक जो ग्रंथ है,
इसके रचनाकार के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना। चलिए जल्दी से बताइए महाभारत का रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखना चाहता हूँ कि इस विश्वविख्यात ग्रंथ के रचनाकार के बारे में कौन नहीं जानता है, और कितने लोग, जितने लोग जुड़े हैं इनमें से कितने लोग जानते हैं, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए दीपक मदेसिया जी कहना है कि व्यास, वेद व्यास। रवि कुमार वेद व्यास, जितेंद्र सिंह वेद व्यास, प्रियंका गुप्ता वेद व्यास, और श्रेया सिक्स जी वेद व्यास, राज रस्तोगी जी वेद व्यास। चलिए वेरी गुड। चलिए जल्दी से, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया कि महाभारत के रचना काल वेद व्यास। चलिए ये तो सही हो गया। आप लोग इसका रचना काल भी बता दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न कई बार पूछा गया कि महाभारत के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। आप लोगों ने बता दिया तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत का रचना काल बताइए, तो महाभारत का रचना काल भी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। एक प्रश्न और आपका रेडी हो जाएगा। कौन बताएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। एक हजार से 600 जी नहीं, ये तो आपके ऋग्वेद का हमने समय बताया था। देखिए आप लोग बहुत समय लगा रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अध्ययन किया। देखिए बबीता राठौर ने लिखा है 400 ईसा पूर्व, जी बिल्कुल ये भी लिखा रहता है, लेकिन आपको देखना है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व इसका जो समय माना गया है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, ये आपके महाभारत हो गया, महाभारत के लेखक हो गए, और साथ ही साथ महाभारत के रचना काल का समय हो गया। तो हम महाभारत से कुछ चीज आपको जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा और ख्याति प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को भारतीय साहित्य का, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, तो भारतीय साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ आपके महाभारत को माना जाता है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। और यहां से पता चलता है कि महाभारत काल में भी, महाभारत काल में भी आपके चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला और स्थापत्य कला सभी का प्रचलन था, है ना। और इन सब के बारे में कहां से जानकारी मिलती है कि वहां पर चित्रकला का प्रचलन था कि नहीं था, स्थापत्य कला का काम वहां पे कार्य होता था नहीं होता था, या स्थापत्य कला मूर्तिकला प्रचलित थी महाभारत काल में कि नहीं थी, है ना। इसका वर्णन भी आप किसी महाभारत से पता चलता है कि जैसा कि एक जगह महाभारत में एक प्रसंग आया है, और आप लोगों ने हो सकता पढ़ा हो, और जो लोग एक बार क्लास कर चुके उनको हमने बताया भी है कि उषा और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, अनिरुद्ध जी, है ना, उषा एक राजकुमारी थी, और एक बार उन्होंने इन दोनों के उषा और अनिरुद्ध के प्रेम कथा का वर्णन आपके इस महाभारत में किया गया है, और बताया गया कि इस प्रसंग में एक बार उषा रात में ख्वाब देखती हैं कि हमारे ख्वाब मतलब हमारी जो शादी होती है वह एक राजकुमार से होती है जो अपने क्षेत्र के वर्तमान समय के सबसे महान योद्धा हुआ करते हैं, और उन राजकुमार को उषा जी कभी देखी नहीं रहती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जब यह ख्वाब वो देखती है, ख्वाब में इनको देखती हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, और परेशान होने के बाद उनकी जो एक सेविका थी जिसका नाम था चित्रलेखा, उषा की परिचारिका थी चित्रलेखा, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थी, उसने अपने मन की बात को चित्रलेखा को बताया, तो चित्रलेखा ने क्या किया कि जब कभी कोई आयोजन हुआ करता था तो राजकुमारी जी के साथ चित्रलेखा भी जाया करती थी, और कहीं कहीं कुछ कामियों के लिए चित्रलेखा को भेजा जाता था, तो वह उस समय के सभी राजकुमारों को देखी थी, और उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन समय में जितने भी प्रसिद्ध राजकुमार थे, जितने भी राजवंश थे, उन सभी राजवंशों के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों का चित्र
बनाकर चित्रलेखा के पास ले गया ले गई और ले जाने के बाद उसने जब उनको दिखाया तो उन्होंने अपने ख्वाब में देखे हुए राजकुमार के रूप में अनिरुद्ध जी को चूज किया कि इन्हीं को हमने देखा था, ये कौन है। तो चित्रलेखा ने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं और ये अपने समय इस वर्तमान समय के बहुत ही महान सम्राट हैं। तो बाद में जाके उनका विवाह वहाँ से हो जाता है। तो इस जगह भी महाभारत काल में भी चित्रकला का वर्णन किया गया है कि उस समय चित्रकला प्रचलित थी। इसके साथ साथ इसी ग्रंथ में युधिष्ठिर के एक जो सभा भवन था, महाभारत नामक ग्रंथ में ही एक स्थान पर युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और महान राजा कहलाए, उनके एक प्रसिद्ध उनका सभा भवन था, उन्होंने बनवाया था। इस सभा भवन में का भी वर्णन आपके इस महाभारत नामक ग्रंथ में किया गया है और बताया गया है कि इस युधिष्ठिर के महा जो सभा भवन था उस समय के कलाकारों ने इतनी अच्छी और कुशलता के साथ यहाँ पे कारीगरी की मतलब इसको निर्मित किया गया था कि दुर्योधन एक बार जब इसमें प्रवेश किया तो वह भ्रमित हो गया। जहाँ पर वह जाता था, जिधर देखता कि यहाँ दरवाज़ा है तो वहाँ पे दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, वहाँ पे पानी हो जाता था। और जहाँ पर इसको नज़र आता था कि यहाँ पे पानी है, वहाँ पे पानी नहीं दिखाई देता था बल्कि वहाँ पे दीवार दिखाई देता था, है ना। तो यह इस तरीके का वास्तुकला के निर्माता भी उस समय वहाँ पे थे कि इस प्रकार के भ्रम पैदा करने वाले इतने महान स्थापत्यों का निर्माण भी उस समय किया था। इनका भी वर्णन यहाँ पे महाभारत में किया गया है। तो और साथ ही साथ इन चित्रकला और वास्तुकला के साथ साथ यहाँ पर जो नायिकाएं थीं, नायिकाओं के चित्रों के बारे में और चित्रों के सबीहों के बारे में, रूपों के बारे में भी वर्णन किया गया है। और आपके इस महाभारत नामक ग्रंथ में 19 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यह भी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत नामक ग्रंथ में या किस ग्रंथ में 19 रूपों का उल्लेख किया गया है। महाभारत नामक ग्रंथ में 19 प्रकार के ठीक है, आप यह देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है कि महाभारत में कितने प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत नामक ग्रंथ में 19 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में चित्रलेखा नामक चित्रकार का भी वर्णन किया गया है। महाभारत नामक ग्रंथ में उषा और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग में चित्रकला का वर्णन किया गया है और यहाँ पर कुल 19 प्रकार के रूप बताए गए हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रियंका गुप्ता सर, क्या पेड में पेड मिलेगा? प्रियंका जी हम समझ नहीं पाए, आपका कमेंट कुछ और ऊपर भी है क्या? ममता मुंडंगल सर धन्यवाद, नमस्कार जी। सुचि गंगवार जी, इसका चित्रकार महिषासुर था। सुचि गंगवार जी, इसका चित्रकार नहीं बल्कि वास्तुकार, है ना, चित्रकार नहीं वास्तुकार। प्रियंका गुप्ता जी, सर ऑनलाइन फीस क्या है? प्रियंका गुप्ता जी, वर्तमान समय में फीस नहीं ली जा रही है, बस केवल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र केवल 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, केवल 2000 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। और इस महामारी में संक्रमण के समय में हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, हम आपके सेवा के लिए उपस्थित हैं। इसको आप फीस ना मानिए बल्कि एक केवल आपके सहयोग के लिए, यहाँ पे जो बिजली वगैरह जो इन सब में खर्च आ रहे हैं उनके लिए मात्र 2000 रुपये रखा गया है। आप लेके अपने घर बैठे
आपको कहीं बाहर निकलिए नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने घर से अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम आपके साथ रोज़ एक घंटे रहने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करके रखे हैं। नहीं तो इस महामारी में क्लास जान अपने जान और ज़िंदगी से ज़रूरी क्लास नहीं है, लेकिन हमारे साथ आप बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप लोगों के साथ हम एक घंटे जुड़ते हैं तो आप सब लोगों को भी अच्छा लगता होगा, आपका समय भी पास होता होगा, आपकी तैयारी भी हो रही है। इसके लिए मात्र केवल 2000 रुपये रखा गया है। आप 2000 रुपये लेकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ममता जी बिल्कुल पर डे क्लास हो रही है। किसी दिन बिजनेस संस्थान बंद रहेगी या किसी दिन कोई नहीं आ पाया यहाँ पे, तो उस दिन क्लास बंद हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, नया बैच स्टार्ट है और आप लोग प्रियंका गुप्ता जी कहना है कि सर्कल किस टॉपिक पे क्लास चलेगा। प्रियंका जी, क्लास हमारी जिस तरीके से अनवरत चल रही है ऐसे चलेगी। आज ऐसे में कला कुछ ग्रंथ में कला के बारे में हम वर्णन कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इसके बाद हम ख़त्म करेंगे तो सीधे हम चलेंगे प्रागैतिहासिक काल की कला पे, क्योंकि हम कला का बिल्कुल शुरुआत किए हैं। जैसे कला की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, हेगल कलाओं कितने भागों में बांटा गया, फिर ग्रंथों में कलाओं में क्या क्या आया है और इस साहित्य से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, इनको लेके आपको चल रहे हैं। इनको हम आज ख़त्म करके सीधे आपको ले चलेंगे प्रागैतिहासिक काल की कला पे। फिर शनय जैसे ही कला चलता है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नीतू पटेल जी कहना कि सर टाइमिंग क्या है। नीतू जी, टाइमिंग यही है, आप 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे क्लास पर डे हमारी होती है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। नीरज शर्मा जी कहना कि संडे को छुट्टी है क्या सर। नीरज जी, संडे को छुट्टी नहीं, मतलब जिस दिन कभी हम बीच में भी छुट्टी कर सकते हैं, जरूरी नहीं संडे को छुट्टी रहेगी। संडे को भी आपको क्लास हो सकती है, रहेगी भी, उसके बीच में किसी दिन हमको आवश्यकता होगी हम बीच में छुट्टी कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं कि रामायण को देख लेते हैं। रामायण नेक्स्ट हमारा 9वां जो ग्रंथ है, वह है रामायण। चलिए रामायण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रामायण की रचनाकार कौन है। रामायण की रचनाकार कौन है आप लोग ये भी जानते होंगे, है ना। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। देखिए सबसे पहला आंसर आया वाल्मीकि जी, वेरी गुड, है ना। ठीक है, चलिए तो उसके बाद ये इसका जो भी रचनाकाल है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये गलत है, वाह होना चाहिए वाल्मीकि जी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद इसका जो रचनाकाल है महाभारत का जो रचनाकाल है, इसका भी रचनाकाल विद्वानों ने बताया कि सेम जो महाभारत का रचनाकाल है वही उसका है, अर्थात इसका भी जो रचनाकाल है यह समय वही है। तो दोनों का जो भी, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण, दोनों का रचनाकाल सेम माना गया है। महाभारत का वेद व्यास और रामायण का वाल्मीकि जी। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो रामायण है इसमें सीता, आपको एक उल्लेख यहाँ पे बता दें कि रामायण में यह एक जगह उल्लेख आया है कि जब सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने, जब वहाँ की जनता ने आरोप लगाया कि ये बहुत दिन रावण के साथ रही या घर से बाहर रही हैं, क्या ये बहुत ही सीता सावित्री हैं, जब ऐसी नहीं है तो इनको रामचंद्र जी के अपने घर पे रखे, बहुत जब आरोप सारे आए तो रामचंद्र जी ने सीता जी को क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। और जब निकालने के बाद जब वह घर से बाहर चली गई थी और वन में रह रही थी, उस समय श्री रामचंद्र जी को लगा कि हमारे पृथ्वी पर वर्तमान में हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, और अगर कोई योद्धा है तो हम उसका पता लगाना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो हम पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे महान सम्राट के रूप में हमारा नामकरण किया जाए। तो उस समय उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अश्वमेघ यज्ञ जब करवाया तो उस समय
ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई जीवित राजा है और वह अश्वमेध यज्ञ करा रहा है और अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो बिना उसके वह यज्ञ सफल नहीं होगा। इस जब ऐसी बात आई तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि सीता जी को बुला नहीं सकते थे, सीता जी वहां से आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुनियों से, अपने जो वहां के विद्वान थे, जो उनके यहां के पुरोहित थे, उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि सीता जी जिंदा हैं और सीता जी तो आ नहीं सकती हैं, लेकिन उनकी एक प्रतिमा बनवाकर आप अपने साथ रख लीजिए और आपका यज्ञ जो होगा वह सफल हो जाएगा। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि सीता जी की एक सोने की प्रतिमा, रामचंद्र जी ने सीता जी की एक सोने की प्रतिमा बनवाई और सोने की प्रतिमा जब बनवा के उसको अपने पास रख के यज्ञ सफल करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न ये आता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने अपने यज्ञ के समय, अश्वमेध यज्ञ के समय एक प्रतिमा सीता जी की बनवाई थी, तो पहला वह किससे बनी थी, सोने की, ये हम बोल चुके थे, आप जान चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अश्वमेध यज्ञ के समय श्री रामचंद्र जी ने सीता की जो प्रतिमा बनवाई थी उसको किस शिल्पकार ने बनाया था, तो उसको किसने बनाया, तो चलिए तो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्रश्न पूछने से पहले आप लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो सुमन चौरसिया जी, उसके बाद दीपक मध्यसिया जी, राजा धीराज सिंह जी, राजरस्तोगी जी, नहीं राजरस्तोगी जी लंका का वास्तुकार, नहीं लंका के वास्तुकार ने इसका नहीं बनाया, हाँ जी बिल्कुल सही है, लंका के वास्तुकार ही थे, सही है आपका कहना। और जो सीता जी की प्रतिमा जो बनाया था वह मैं नामक, मैं देख रही बहुत सारे लोग, राजस्थोगी जी, सुनीता देवी जी, पंकज वर्मा जी, जितेंद्र सिंह जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अर्थात आप समझ सकते हैं, सब लोगों को पता है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात उस समय जो सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाया गया था, बनवाई थी, बनाया था वह मैं नामक शिल्पकार था। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और आपके लिए और भी अच्छी तरीके से बता दें कि उस समय जो ये कला प्रचलित थी उस समय असुर और देवता दो भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित हुए थे, और उस समय देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार कौन थे, विश्वकर्मा थे, जबकि आपके असुरों के जो शिल्पकार थे वह मैं थे, मैं जो थे वो असुरों के शिल्पकार थे। लेकिन उसके बावजूद भी श्री रामचंद्र जी ने सीता की प्रतिमा जो मैं से बनवाया इस असुरों के शिल्पकार से, जबकि देवताओं के शिल्पकार जो थे विश्वकर्मा जी उनसे इन्होंने नहीं निर्मित करवाई थी। अर्थात उस समय भी राजनीति हुई कि अपने पुरोहित के अपने शिल्पकार से न बनवाकर बल्कि असुरों के शिल्पकार से श्री रामचंद्र जी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी, है ना। अब यहाँ से दो प्रश्न ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि असुरों का शिल्पकार कौन था, तो मैं नामक शिल्पकार था, जबकि देवताओं के शिल्पकार कौन थे, तो आपके विश्वकर्मा जी थे, है ना। तो चलिए देखिए टाइम काफ़ी हो गया है ना, तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक देख लीजिए, क्योंकि 5:30 तक का ही टाइम था और सॉरी 5:30 से 6:30 तक का ही टाइम था और लमसम 7 बजने वाले हो चुके हैं, तो आज की क्लास यहीं पे हम छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद भी क्लास होगी और फिर हम जोड़ेंगे आप लोगों को कल, और यहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझे होंगे तो 1-2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे। कल हम आपको फिर से बचे हुए यहाँ से जोड़ेंगे, और यहाँ से अगर जो बचे हुए टाइम बचेगा फिर हम सीधे आप सभी लोग को ले चलेंगे प्रागैतिहासिक काल की क्लास से, फिर कंटिन्यूअस हम क्लास चलते रहे। यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा हमें आशा है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट हो तो बोल सकते हैं, अगर समझ में आया है तब भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो देख रहे हैं आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, है ना, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से स्टडी करते रहेंगे। और इस वीडियो को हमने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग अपने लोगों तक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जो लोग मान लीजिए कि अभी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट उसका मिलता रहेगा,
ठीक है, बाद में जब वो जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। इसी जानकारी के साथ कल हम आप लोगों से फिर मिलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक जो आप लोग का टॉपिक गया होगा प्रमुख ग्रंथों में कला का वर्णन, थोड़ा सा टाइप होने में जो गलत हुआ है तो आप लोग उसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप छोटा वो होना चाहिए, है ना, माइंड मत करिएगा, वो हो जाते हैं कंप्यूटर में जब कोई भी टाइप करता है, ठीक है। चलिए तो कल आप लोगों से कल मिलते हैं, कल तक के लिए आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, हाँ खाने पीने थोड़ा सावधानी बरतिए, मास्क हर समय लगाइए बाहर जब भी निकलिए, और हाथ वगैरह हर समय साफ करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों से लिए कल तक के लिए विदा लेना चाहते हैं, कल तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।